बिजली की फिटिंग चाहे ओपन हो चाहे अंडरग्राउंड हो, उसके अंदर वैसे तो अंडरग्राउंड की बात अभी आपको कंफर्म नहीं हो पाएगी, ओपन वाली जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे जो हो रखी है यही वाली कंफर्म हो पाएगी, अगर इसके अंदर किस तरह से करनी चाहिए, कैसी अच्छी होती है। तो चलिए, मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं मेरे चैनल ऐसी सोल्यूशन पर। दिखाते हैं आपको फर्क क्या होता है अच्छी बिजली की फिटिंग में और बुरी गंदी बिजली की फिटिंग में क्या फर्क होता है। चलो आ जाओ। तो इन्होंने बिजली की फिटिंग अपने यहाँ पे देख सकते हैं ये करवा रखा है, ओपन में हुआ है, नया नया अभी इन्होंने अपना ये घर बनवाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं कमियाँ दिखाता हूँ कि एक बिजली फिटिंग करने वाले बंदे ने क्या क्या कमियाँ कर रखी हैं। तो देख सकते हैं ये एक पावर का बोर्ड लगा हुआ है, एक यहाँ पे एक लाइट का बोर्ड लगा हुआ है जो कि सभी बल्ब और पंखे की जो सप्लाई जाती है वहाँ पे, और उस जगह पे देख सकते हैं मोबाइल वगैरह चार्जिंग करने के लिए और टीवी वगैरह लगाने के लिए वहाँ पे इन्होंने मतलब एक बोर्ड लगवाया हुआ है, ठीक है। और यहीं से अगर आप ऊपर बढ़ेंगे तो ऊपर में जाके देखेंगे तो एक होल्डर लगा हुआ वहां पे, उस जगह से एक जो कि पाइप वहां से निकल करके वायर हमारी मेन आई है बाहर से, और यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर में यहीं से ऊपर चला गया है फैन के लिए, ठीक है, फैन का कनेक्शन यहाँ पे है, और उस जगह पे एक बल्ब का होल्डर होना चाहिए था लेकिन वहां पे तार बंदे ने ऐसे लटका दिया है। तो यहाँ पर कमी क्या क्या है मैं आपको बताऊं। तो इस तरह से बिजली की फिटिंग तो लगभग इनकी चालू है, कंप्लीट है, जल रही है, लाइटें जलती हैं, हाँ देखिए बल्ब तो इनका जल रहा है, चालू है, बंद कर देते हैं नहीं तो बिजली आ जाएगा हम पे भेज जाऊंगा। तो लाइन तो यहाँ पे चालू है, मतलब बल्ब वगैरह सब कुछ जल रहे हैं। तो क्या यहाँ की जो वायरिंग हो रखी है, ये फिटिंग हो रखी है बिजली की ओपन में, तो ये ठीक है या नहीं है? तो मुझे तो ये बिजली की जो फिटिंग है दोस्तों वो पसंद नहीं आई, मतलब क्योंकि मैं जो अपना काम करता हूँ मेरा अपना तरीका होता है, हर इंसान का अपना होता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरी वीडियो को हर बिजली वाले को शेयर करो, चाहे आप बिजली का काम करते हो चाहे ना करते हो। क्यों? क्योंकि आगे से एक बार तो आपका काम खराब करके चला गया बंदा, आगे से दोबारा काम खराब ना कर पाए वो, उसको कम से कम जानकारी तो हो कि काम कैसे किया जाता है, पता तो होना चाहिए ना। देख सकते हैं यहाँ पर जो ये लाइट का बोर्ड लगाया गया है, सबसे पहले यहाँ पर जो कि रेगुलेटर एक लगना चाहिए, अगर रेगुलेटर नहीं लग रहा है तो एक नॉर्मल सा स्विच लग जाना चाहिए यहाँ पे, तो वो लगाया नहीं है बंदे ने। और नीचे देखेंगे अगर आप बैटन की फिटिंग देखेंगे तो बैटन की फिटिंग जगह जगह से देखिए कहाँ कहाँ से गैप, वहां से भी गैप हुआ है, देखो ऊपर में गैप हो रखा है, ठीक है, वहां से गैप हो रखा है, फिर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए कितना गैप हो रखा है, ये मतलब छिपकली जाने के लिए, इधर से भी गैप है। और आपको दिखाएं हम, जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं ये जो फिटिंग हो रखी है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, यहां से नहीं जाना चाहिए, उस बोर्ड का जो वायर है दोस्तों वो यहां से नहीं बल्कि वहां ऊपर से उतरना चाहिए था, ये तरीका होता है सही। और देखिए ये होल्डर का जो बैटन जो कि ऊपर ऊपर से ले गया है बंदा, फिर वहां से नीचे मोड़ दिया है, हैं, वो जो बैटन है दोस्तों वो बिल्कुल जहां पे होल्डर लगा हो यहां से इस तरह से जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है, और इतना लटकाने की जरूरत नहीं पड़ती कि जैसे मानिए कोई आम का फल जो है कि लटका हुआ है पेड़ से, ठीक है, तो इस तरह से होल्डर नहीं लगा हुआ होना चाहिए। और यहाँ पर भी एक कमी है कि इस जगह पे ये जो बैटन है यहाँ पे एक लगना चाहिए जहाँ पे हमारा पंखे का हुक लगा हुआ है, यहाँ पे एक बैटन लगना चाहिए, और ये होल्डर चाहे लगे चाहे ट्यूबलाइट लगे उसके बावजूद यहाँ पर एक मतलब बैटन थोड़ा सा लगा करके वायर को नीचे उतारा जाना चाहिए, ऐसे लटकाने में क्या मजा आया उस बंदे को मुझे नहीं पता, उससे तो उसकी बेइज्जती होगी कोई भी देखेगा। और देखिए वहां पे कितना बड़ा सुराग है, सुराग तो किया बिजली वाले ने और अब उसको छोड़ के चला गया जो बंदा पीओपी वाला था वो भी, तो कितना गलत काम कितना बुरा काम यहाँ पे हो रखा है देख सकते हैं सब जगह से, हैं। और ये बोर्ड भी देखेंगे आप तो बोर्ड भी आपको ये टेढ़ा ही दिखाई देगा, ये भी सीधा नहीं है, दूर से नजर आता है, ठीक है। तो ये तो आपने देखा कि मतलब इस तरह से कितनी गंदी यहाँ पे फिटिंग की गई है। अब अच्छी फिटिंग क्या होती है, मतलब बढ़िया तरीके वाला काम क्या होता है, चलिए अब आप लोगों को वो दिखा देते हैं। तो चलिए आपको अपने घर के अंदर जहां पर हमने बिजली की फिटिंग कर रखा है, ये देख सकते हैं बोर्ड वगैरह हमने ओपन ही किया हुआ है यहाँ पर भी, है, तो यहाँ पर हमने किस तरह से कर रखा है पहले आप देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इसके अंदर क्या कमी है, है, या आपको ऐसा ही करना चाहिए। तो देख सकते हैं इस प्रकार से हमने वहां पे एग्जॉस्ट का पॉइंट दे रखा है, यहाँ ट्यूबलाइट लगी हुई है, वहां पे हमारा जो कि कनेक्शन बॉक्स लगा हुआ है ट्यूबलाइट के नीचे, और इस तरह से दोस्तों हम इस तरफ में अपने ये बल्ब का होल्डर देखिए हमने बल्ब कैसे लगा रखा है कहाँ पर, है, बहुत लोग होते हैं बैटन के बीच में लगाते हैं, हमने इस तरह से लगा रखा है। और ऊपर में जहां पे दोस्तों हमें मतलब पत्ती लगाने की जगह नहीं थी तो वहां पे हमने क्या किया, टेप लगा दिया है उसके ऊपर, जो कि कम से कम अभी 8 महीने हो गया है और अभी तक ऐसे टिका हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हमने एक होल्डर जो लगा रखा है, ये होल्डर भी
जैसे लगना चाहिए तरीके से बिल्कुल आपको सीधा मिलेगा। देखिए जो छत है ये मतलब वो चादर है वो टेढ़ी रहती है हल्के से क्योंकि पानी टपकने के लिए, तो इसलिए उसकी वजह से आप देखेंगे तो आपको टेढ़ा लगेगा, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सीधा है कुछ इस तरह से अगर आप चेक करेंगे तो देखिए। ठीक है तो दोस्तों कमी आपने वहां पे देखा और यहाँ की आप देख सकते हैं कहीं पे भी आपको गैप नहीं मिलेगा, ना ही तो ऊपर से और ना ही तो नीचे से किसी भी बोर्ड में। और इसके कोने वगैरह जो देखेंगे दोस्तों हमने बिल्कुल कोने बना करके काट करके लगा रखे हैं यहाँ पे। ठीक है इसी तरह से अगर आप ऊपर देखेंगे तो जो हमारा स्क्वायर बॉक्स होता है जिसके ऊपर कनेक्शन बॉक्स लगा हुआ उसके अंदर आप देखेंगे कहीं पे भी आपको बैटन के अंदर गैप नहीं मिलेगा, ना ही तो इसमें मिलेगा और ना ही तो आपको उसके अंदर ही कोई गैप मिलेगा जहां से मतलब कोई कीड़े मकोड़े या कोई छिपकली उसके अंदर घुस करके वायर को या चूहे काट सके। देख सकते हैं कोने में भी बिल्कुल ये आपको सटा हुआ ही मिलेगा पूरे अच्छे से। ठीक है यहाँ पे भी आप देख लीजिए और यहाँ पे भी जो हमने मतलब कट कर रखा है वायर गया है, बहुत छोटा सा वायर कट करके हमने स्क्वायर बॉक्स के अंदर कनेक्शन किया हुआ है, कहीं पे भी आपको इस प्रकार का कोई गैप नहीं मिलेगा जिसकी वजह से कि आगे चल के किसी कस्टमर को या हमको ही मतलब ही अपना काम समझ करके ही काम को करना चाहिए किसी भी काम को अगर आप कर रहे हैं तो। तो दोस्तों फर्क पता चला आपको, कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोबारा से अगर ऐसा काम नहीं चाहते हो तो हमारी वीडियो को शेयर कर देना, इतने लोगों को शेयर कर देना कि उनकी दुआ लगे और ये जो आपका काम खराब हो रखा है ये अपने आप से ठीक हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।